प्रदेश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। आला नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी प्रचार में जुटे हैं। आरोप भी चुनाव पास आने के साथ तीखे होते जा रहे हैं। आरोप केवल सत्ता तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उनकी आंच सरकार में पदस्थापित अधिकारियों तक भी आने लगी है। सोमवार को कांग्रेस के संगठन महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि राजे ने खुद सरकार चलाने की जगह सीएमओ से सरकार चलवाई है। गहलोत ने कहा कि पीएचईडी, माइनिंग और जयपुर कमिश्नरेट भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो अधिकारी गलत कामों पर साइन नहीं कर रहे हैं, उनके तबादले किए जा रहे हैं। गहलोत ने सीएम राजे पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अमित शाह और वसुंधरा राजे राजस्थान को लूट रहे हैं। वसुंधरा जी ने जेल किसी को नहीं भेजा राजस्थान में, उसका बस चलता तो 15-20 अधिकारी वही भेज देती। वो हमारा जो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर था, वो दिमाग लगाता रहा, मंत्रियों की बेइज्जती करता रहा। बाहर विधायक बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, आरएएस ऑफिसर बैठे हैं, वो माहौल चलता रहा। इधर सीएम राजे हाड़ौती के दौरे पर हैं। इस दौरान राजे ने भी कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि 50 सालों में कांग्रेस ने विकास के नाम पर केवल वादे किए, हमने 4 सालों में विकास कार्यों को अंजाम दिया है। वो ये नहीं पसला है कि हम लोग अब पैसा जेब में नहीं डाल सकते, जैसे उनके 3-3 मंत्री गड्डी की गड्डी अपने जेब के अंदर ठूसते हुए टेलीविजन के ऊपर पकड़े गए, आपको याद होगा। आज सीधा पैसा जाता है आपके अकाउंट में। चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे, जबानी हमले और तेज होंगे। आला नेताओं के चुनावी दौरों में और तेजी आएगी। राजस्थान के इस चुनावी रण में लेकिन जीत उसी की होगी जो जनता के दिल के दरवाजे खोल सकेगा, साथ ही ये विश्वास दिला सकेगा कि आने वाली सरकार जनता जनार्दन के हित की बात सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो बीजेपी का कोई 1.5-2% चांस था फाइट करने का, वो भी चलता बना, क्योंकि वसुंधरा जी का जो चेहरा है उस पर कोई वोट डालने वाला नहीं है। गौरव यात्रा की हवा निकल चुकी है और कांग्रेस पार्टी के संकल्प रैली में कल्पना से ज्यादा भीड़ जुट रही है। इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत लेकर जीतेगी और कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। जीतने के बाद जो भी विधायक महोदय और पार्टी चाहेगी उसको पद मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है, मैं हूं योगेंद्र, देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात जो मजमून आपने देखा, राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे ही आक्रामकता हमले तेज होंगे। तो चले हम बात करेंगे, आज इंदिरा राजे ने जमकर कांग्रेस के नेताओं पर बूंदी, केशव राय पाटन, कोटा साहब में जहां जहां जमकर हमले बोले। तो अशोक गहलोत ने पूरे सिस्टम पे सवाल किए हैं, सचिन पायलट ने बीजेपी की कार्यशैली पे सवाल खड़े किए। अमित शाह राजस्थान के दौरे पे हैं। अमित शाह ने कहा है कि एनआरसी एक बड़ा इश्यू है और कांग्रेस को अगर लगता है घुसपैठ हैं तो उनको अपनी सदस्यता देनी चाहिए। लगातार दूसरे दिन भी उन्होंने एनआरसी पर कांग्रेस पर हमला जारी रखा। तो चले हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। राजीव साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं, अमित गोयल साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, बीएसपी नेता कुलवाल साहब हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहता कि आप प्रत्यारोप की बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है अभी। देखिए योगेंद्र जी, सरकार विकास कार्य किए होते तो सरकार विकास की बात करती। आज सरकार लगातार कोई भी बात आती है कांग्रेस में हमला करती है, उनको ये कि 4.5 साल उनको राज करते हुए और अभी भी कांग्रेस उनके उनके तो मेरा मतलब इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में उन्होंने राजस्थान का विकास किया, देश का विकास किया, तो उनको विकास की बात करनी चाहिए। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी एनआरसी, कभी ऐसे इस प्रकार के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं जिससे जनता को कब तक गुमराह करेंगे। और राजस्थान की जनता ने तो निश्चित कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं होगी, ये जनता ने निश्चित कर लिया है। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी गौरवरा चर्चा कर रही है, मगर उनकी जो भाषा है, अगर वास्तव में विकास किए हैं तो विकास की बात करें, वो विकास की बात नहीं करके वो चुनावी रूप में हिंदू मुस्लिम पे चले जाते हैं।
कभी वो किस पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि अगर वास्तव में विकास की है, विकास की बात गौरव यात्रा में निकाल रहे हैं तो उनको विकास की बात करके जनता से वोट मांगिए, उसमें कोई तक नहीं है। मगर आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार से करते हैं कि जिसकी मतलब है किस शब्दों का उच्चारण किया जाए उनके बारे में कहे शब्द नहीं हमारे पास। कुणाल साहब, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा राजस्थान में अजय अशोक गहलोत या फिर कोई और दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, क्योंकि जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे स्थितियां आरोप रहते हैं। योगेंद्र जी, वसुंधरा जी जब सरकार में आई उन्होंने बोला अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, आज 5 साल होने वाले हैं, अशोक गहलोत की जांच क्यों नहीं करवाई। और जब वसुंधरा सरकार बनी तो गहलोत साहब बोलते हैं कि इनकी जांच करवाएंगे, जांच ये दोनों एक दूसरे की नहीं करवाते। ये आरोप प्रत्यारोपों की सीमित है और जनता इनको लगातार देख रही है, ये गुमराह करने के सिवाय इन दोनों पार्टियों के पास कोई कार्य नहीं है। और ये गुमराह कर रहे, जनता देख रही है कि तीसरा मोर्चा सशक्त रूप में राजस्थान में आएगा। तो ये लोकतंत्र की सब है, सब हमारे साथ में जुड़ गए। राजीव जी, मैं पायलट और अशोक गहलोत दोनों को मैंने अभी सीधा हमला मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत साहब ने सिस्टम पे भी सवाल खड़े किए कि शैडो मुख्यमंत्री के रूप में कई तंत्र काम कर रहे, आरोप भी लगाए हैं। तो ये आरोप जो अभी विष्णु कुलवाल साहब कह रहे थे कि आरोप तो लगाए जाते हैं लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो जांच नहीं होती है। देखिए, पहली बात तो ये आरोप पहली बार नहीं लगे, पिछले 5 वर्षों से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, जो बना हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर तरीके की वर्किंग हो रही है, चाहे पीएचई की हो, चाहे हमारे माइंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली विभाग हो, उनके अंदर समय पे जो जो घटनाएं घटी, जो उजागर हुए, उन पर उन्होंने हमेशा से आवाज उठाई है। और ये बात इसमें कोई संदेह नहीं है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि प्रदेश के अंदर दौड़ती रहती है हमेशा, जयपुर से बाहर जिस तरीके से इस प्रदेश का कार्य हुआ है, लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता को अपने बहुमत दिया था उनका शासन है क्या। अगर ये स्थिति होती तो पिछले 5 साल में जिस तरीके से बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ कम हुआ है, जैसे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ कम हुआ है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जब शुरू के अंदर ही 3 लोकसभा के चुनाव के बाद के विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और उसके बाद जब 3 उपचुनाव हुए बड़े, जिसमें 2 लोकसभा विधानसभा का, उसमें जनता ने बता दिया कि बहुत कम हो चुकी है, सरकार बदलने वाली है, कोई किस्म की गवर्नेंस नहीं। और हम तो बार बार कहते हैं कि हमने जो काम करे हम लोगों को गिनाते हैं, आपने काम करे तो आप काम गिनाओ। लाभार्थियों को बीजेपी बुला के जयपुर के अंदर सम्मेलन करना, प्रधानमंत्री जी का सम्मेलन करा गया, वो एक भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन की तरह कार्य के अंदर गवर्नर को वहां बैठे रहे, उसके ऊपर कितने बार आरोप लगे, रिसर्चिंग राजस्थान में जो हुआ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जो हुआ, तो जो आरोप लग रहे हैं अगर वो आरोप सही नहीं है तो उनका जवाब देना चाहिए। और अगर आरोप सही है और उसके बाद में जांच होती है तो उसे तैयार रहना चाहिए। फिर आपको डर है, अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी है तो आपको डर क्यों है। अगर कोई भी जना कहे भी कि हम जांच कराएंगे, आप कानून के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपको डर नहीं होना चाहिए। अभी कहा जा रहा है कि परसों कांस्टेबल से हेडकांस्टेबल बनाए जा रहे हैं लोग और उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से पहली बार जिंदगी नहीं रहा इस तरीके का जो काम हो रहा है उसे जनता कई बार वाचक चिन्ह उठाते। अंग्रेजी का अखबार देखो, न्यूज पेपर, उसके अंदर भी एक हिंदी के एडवर्टाइजमेंट आते हैं राजस्थान सरकार के। एक आम आदमी पूछता है कि हमारे देश का इस दुरुपयोग क्यों हो रहा है, ये विज्ञापन अचानक पिछले 15-20 महीना भर से पूरे देश के अखबारों में क्यों निकलने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से सब सवाल जो है जवाब मांगते हैं। हम तो पिछले जब से मुख्यमंत्री तरफ निकली है, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने लगातार उनसे सवाल पूछे हैं, 25-26 पूछ चुके, अब तक हम उन सवालों का आंसर मांग रहे हैं। अगर जब चुनाव वास्तव में पास में आ रहे हैं तो ये बात मुखर है तो होगी निश्चित रूप से। आप हमारे ऊपर आरोप लगाओ और आप सुनने तैयार नहीं रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अमित गोयल साहब, दोनों तरफ से आपने सुना, विष्णु कुलवाल साहब के निशाने पे आप भी रहे, राजीव जी रहे, राजीव जी ने बात कही है कि सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और सीधा हमला बोला आज मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री सिस्टम पे
उनके साथ काम करने वालों पे अशोक गहलोत जी ने। देखिए लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, और चूंकि अशोक गहलोत दो बार मुख्यमंत्री है और अभी भी सम्मानित सदस्य है, उन्होंने फिर कुछ बात रखी आज। मैं एक बात राजीव भाई से पूछना चाहूंगा, अशोक गहलोत जी दो बार मुख्यमंत्री रहे, सदन की मर्यादा का ध्यान है, चार साल में कितनी बार जनता की आवाज उन्होंने सदन में उठाई, कितने प्रश्न उन्होंने पूछे, क्या उन्होंने एक विधायक की अपनी जो गरिमा होती है विधायक की जिम्मेवारी उसको पूरा किया? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में और मीडिया सुर्खियों में रहने के लिए, अपने मुख्यमंत्री के दावे को मजबूत करने के लिए, सचिन पायलट से आगे दिखने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उसमें आरोप लगाते हैं। देखिए आज के में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह आरोप लगाते हैं, तो पांच बार आरोप लगाते हैं, पांचों बार अलग स्टेटमेंट, राफेल को देखिए कभी 700 कभी 750, तो कुल मिला के चर्चा में रहना, आरोप लगाना, इस रणनीति का आरोप लगाते हैं आप तो। और दूसरी बात स्वयं का जनता ने आपको जुमकर और लांसा भेजा था, उसके लिए आपने चार साल में क्या किया? आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं भाई, कितने बार आपके ऐसा कुछ ध्यान में हो, आपने लोकायुक्त को क्यों नहीं लिखा? आपने आज चुनाव के 2 महीने पहले 3 महीने पहले सारी जिम्मेवारी आपको याद आ रही है, आपने 4.5 पौने 5 साल क्या किया बताइए मेरे को। और दूसरी बात आप चार चुनने चिल्लाते हैं ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, अरे आप तो काम उसके बाद क्यों नहीं हो? नकारात्मक रखना ठीक है, आप एक सकारात्मक भूमिका निभाओ, कुछ चीज अच्छी हो रही है तारीफ भी करो, गलत होती है तो उसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए, आप सदन में बोलना चाहिए, क्या मीडिया में कर और झूठे आरोप लगाने से मसला होगा? सदन में क्यों नहीं बोलते आप लोग, क्यों नहीं कहते? क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद सदन में रहना मतलब आज उससे आज जनप्रतिनिधि है आना चाहिए रखना चाहिए के अंदर, फिर सदन में आप सवाल जवाब से सदन में आइए, अपनी बात रखिए, हमारे नेता जवाब देंगे, हमारे मंत्री आपका जवाब, मुख्यमंत्री आपका जवाब, इन चीजों से आप दूर भागते हो, सिर्फ चुनाव को देखते हो, टीआरपी बढ़ाने के लिए, सचिन पायलट से आगे निकलने के लिए। आपने जो बात कही मुझे आप ये बता दो कि पिछली बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे जी थी वो कितने नेता प्रतिपक्ष थी लगातार सदन में रही एक साल पहले राजीव भाई दोनों का आगे निकालोगे तो आप प्रतिपक्ष को उनको सदन में रहना बहुत जरूरी है। आप सदस्य होता है वो सदन के अंदर भी बाहर भी सदन में। एक सवाल ये है, लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है 26 सवाल पूछ चुके हैं, जब मुख्यमंत्री यात्रा पे होते हैं तो एक सवाल हमारे तरफ से आता है, एक भी सवाल का जवाब जो कायदे से दिया जाना चाहिए, लोकतंत्र की परंपरा है, ये कांग्रेस का आरोप है, उस तरह से दिया जाना चाहिए, किसी भी सवाल का जवाब नहीं जा रहा है, घुमा फिरा करके तो बात ही जा रही है, सवाल ये पूछ रहे हैं सड़कों का, अमित शाह साहब कह रहे हैं एनआरसी पे या दूसरे मुद्दों पर, तो ये कांग्रेस महसूस हो रहा है कि सवालों को इग्नोर किया जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा, ये लोकतंत्र की परंपरा के अनुकूल नहीं मान के चल रहे हैं लोग। देखिए निश्चित रूप से अगर कोई भी कांग्रेस की तरफ है निश्चित रूप से भाजपा प्रेस ब्रीफिंग होती है, भाजपा के प्रवक्ता भाजपा का बंदा प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, सारा पत्रकार समूह मौजूद होता है, सारी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहते हैं, सब तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सब तरह के जवाब वो उसमें देते हैं। इस तरह की कांग्रेस ने सवाल किया उसे जवाब देना हमारे लिए मजबूरी ऐसा पत्रकार मौजूद रहते हैं ना, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं वहां बैठ के, आप लोग स्तंभ है तो वो जो सवाल गहलोत साहब द्वारा अच्छा किया होता बोलने लायक होते आप, लेकिन जनता ने बिल्कुल नकार दिया, पहुंचा दिया, इसलिए आखिर के 3 महीनों में जनता को दिखावा करना बंद कर दीजिए कि आप उनके रक्षक हैं, सरकार अपने विकास कार्य के लिए जा रही है, आप लाभार्थी की बात करो सरकार डाटा है ना होगा, सरकार उनको बुला रही है उसमें आप देखो ना, आम आदमी की सरकार ने आंसू पोंछने का काम किया है, राष्ट्रीय योजना के माध्यम से सड़कों की आप बात करते हैं, बाढ़ में
स्टेट में कर चुका है, सबसे ज्यादा 92,000 करोड़ में कर चुका है, 90,000 किलोमीटर का सड़क नहीं है या नवीनीकरण हुआ है, लेकिन उसके बाद आप नहीं करोगे, आप योजना बात नहीं करोगे, 200 करोड़ बीटीओ में मिले उसके बाद आप नहीं करोगे, 1,00,000 रुपए तक का इलाज मुफ्त मिला उसकी बात नहीं करोगे, सरकार नया आपके द्वारा सरकार गई है क्या 10,000 आप नहीं करोगे, सिर्फ आपकी जो बात होती है सिर्फ नकारात्मक विषय लेकर जनता माना है और सकारात्मक उपलब्धि होगी जनता के बीच। चले एक सवाल है इनका, हमारे योजना के तहत 30,000 से 1,00,000 तक के बीमा कंपनियों के जरिए इसकी जो बात कही है, कई हॉस्पिटल्स ने 1 जनवरी से इलाज करना बंद कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, ये आपके नाम से भी पूछा गया और बाकायदा है उन्होंने भी थोड़ी दिक्कत है हम इसको। अभी आपने 2 दिन पहले पूरे सारे समाचार पत्र चैनल सब पे देखा भी होगा, उस पे चल रहा था कि बाकायदा जिस कंपनी को आप लोगों ने कॉन्टेक्ट दिया है एग्रीमेंट जिसके साथ में हुआ है उसने साफ मना कर दिया बाकायदा एक रिलीज के कोई भी करना था इस पे कर दीजिए हम काम नहीं करे। देखिए मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छी उनकी दवाई की, मैं विपक्ष में हूं कांग्रेस के साथ में, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक अच्छी योजना शुरू की थी, वो अलग बात जिस योजना जिस दवा का जो स्तर होना चाहिए था वो स्तर नहीं था, बात नहीं अच्छी शुरुआत उन्होंने कोई बात नहीं बधाई के बाद सरकार काम को आगे बढ़ाया, दवाइयों की संख्या बढ़ाई, 30,000 रुपए 3,00,000 रुपए तक का इलाज का प्रावधान किया, लगता है कि जितना काम करते हैं टेक्निकल परेशानियां आती है नुकसान भी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये देखिए हमारी भावना क्या है, क्या इस योजना से लाखों लोगों को लाभ नहीं मिला है ना, लेकिन कहीं अगर कोई तकलीफ है तो सब दूर भी करेगी, जनता के प्रति जवाब दें, हमको पता है ना हमको चुनाव में जा रहे हैं हम, तो जो योजना 3 साल से 3.5 साल 4 साल चल रही है आखिरी के 6 महीने जो सरकार चुनाव में जा रही है उसमें हम चाहते हैं कोई दिक्कत हो, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आती है सरकार सॉल्यूशन करेगी और निश्चित रूप से जनता को हमेशा लाभ चलता है। जी कुल्ला साहब वापस आना चाहूंगा, आप 30 की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल अपने फाइट को आगे लेकर के आ, तो 30 की जो बात की जा रही है कोई जी या फिर कहें कि कुछ हमारा हो, क्योंकि जो क्या कुछ संकेत है राजस्थान में मिलकर के चुनाव लड़े या कुछ उत्तर प्रदेश में जैसे आप अलायंस कर रहे हैं उस तरह से यहाँ पे भी कुछ करें। योगेंद्र जी लगातार बातचीत चल रही है और अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के बीच में भी सब नेता अपने पार्टी के लेवल से मिल रहे हैं और राजस्थान में देखा जा रहा है कि एक बार कांग्रेस एक तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जांच नहीं होती, अब जनता ये जय चाहती है कि राजस्थान में तीसरी शक्ति है और तीसरी शक्ति के रूप में जो लोगों की जो लगातार मीटिंगें चल रही है और वक्त आने पर हम आपके सामने प्रकाश सब लोगों के सामने आएंगे भी, अब लगातार जो आज जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसकी स्थिति बड़ी स्थिति है दैनिक कैसे यह भी बता रहा अभी अभी भाई अमित जी बोल रहे थे कि हमने 90,000 किलोमीटर रोड बनाए, इन्हें पता दो 90,000 रोड कहां पर है आप बताइए, अमित जी अभी रोड कहां पर हम बताए आपको रोड हम बताए, आप गांव में जाओगे ना विष्णु जी मेरी बात सुनिए, आप शहर में रहते हैं और आप गलियों में एक एक गांव में 2-2 किलोमीटर के ग्रामीण घरों पर बने हमने देखिए आपको लगेगा सरकार ने काम किया है, सीमेंटेड अमित जी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है उसका पक्ष रखना आपकी मजबूरी है, लेकिन काम तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये सरकार का विकास था ये सरकार रोड है गोपालपुरा बाईपास से लेकर मेट्रो स्टेशन तक अगर 60 बार रोड एक साल में अगर आपके 9,000 किलोमीटर या 9,000 किलोमीटर की आपकी गिनती है मुझे अच्छा है कि आपका विकास काम बहुत कर रहे हैं, आप गांव की बात करें किस गांव की बात कर रहे हैं आप शहर के रहे से बंदी रहे और गांव की बात आप शहर अगर सड़क में प्रॉब्लम आएगी तो सरकार रोकना चाहिए पास जाना चाहूंगा जी, दो बातें आ रही हैं सामने, कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री पर हमला कर रही है
सिस्टम को लेकर के कि उनका सिस्टम है एक शैडो उनके काम कर रहे हैं जो बिल्कुल मुख्यमंत्री की ऐसे और अधिकारी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। रिफाइनरी की बात आपको, लेकिन बीजेपी कह रही है कि एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता नहीं बोलते हैं। एनआरसी की बात राजस्थान के चुनाव में आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है या फर्जी मतदाताओं की बात इंपॉर्टेंट है जिसपे बीजेपी बोलती है? एक एक विधानसभा में 21,000 से 25,000 तक फर्जी मतदाता है, पूरे प्रदेश के लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता है, उनके मतलब बीजेपी बोलती नहीं है। हमने इस बात को उठा के रखा है, प्रशासन के पास गए हैं, चुनाव आयोग को हमने निवेदन करा है और हम उम्मीद है और हमको विश्वास भी है कि वैधानिक संस्था है उसके ऊपर तुरंत आदेश देगी और ये फर्जी मतदाताओं के नाम निकलेंगे की बात तो हो जाएगी। एनआरसी के नाम के ऊपर जो हम कंट्रोल वो भी आपको उसमें कितनी खामियां हैं, जो लोग वहां पर सालों से पूछते नहीं रहते आ रहे उनका नाम भी एनआरसी के नाम अंदर अलग हो गया। क्या बात करते हैं आप करने के लिए राजस्थान हमारी बातों के जवाब देने के लिए बार बार के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनआरसी की बात करते हैं। राजस्थान की जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, युवकों को रोजगार चाहिए, यहाँ पे महिलाओं को जो सिलेंडर के अंदर 100 रुपए 200 रुपए आप कम कर सकते हो वो कम करके दीजिए, किसी तरीके से लोगों को हाथ मिल सके वो मेरा है। लोग लुभाव में घोषणा कर रहे हैं जिनका प्रोविजन नहीं है, आप महिला घोषणा उसको पूरी करोगे और 3 साल 3 महीने बाद सरकार में आने वाले नहीं हो, दूसरी सरकार आके उसको भुगते, इस तरह की बात करने से पहले आपके पास पूरे दिमाग के तैयारी होनी चाहिए। जी आप बोले, चले पहले एक मिनट में आप बोले, एक बार मैं शाम जी को जोड़ना चाहूंगा। तीन महत्वपूर्ण मुद्दे इस सारे मुद्दे आए, सबसे पहले चुनाव आयोग की बात आई। देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसमें लाखों कर्मचारी दिन रात काम करते इन सूचियों को बनाने के लिए काम करते हैं। जब जब कांग्रेस को ये लगता है प्रॉब्लम है आप संस्थाओं को निशाना बनाते हैं। आपने कोर्ट में महाभियोग लाया कि जस्टिस के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, 25,000 मतदान की बात कर रहे हैं, एक जनता के बीच में खराब मैसेज आप दे रहे हैं। लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह संवैधानिक बदनाम नहीं कीजिए। बदनाम मत कीजिए, एनआरसी की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप इंदिरा गांधी वाला शौर्य जो 1970 में उन्होंने दिया था कि एक भी अवैध बंगाली देश में नहीं रहेगा, क्यों नहीं बोलना चाहते आप? आप ये तो मानते देश को, इस पूरे देश पर कितने अटका रही 50 साल आपके यहाँ भी आप रोटी कपड़ा मकान बात कर रहे हो, समझे मैं एक बात जानना चाहता कि तल्खी आरोप प्रत्यारोप अमित शाह राजस्थान के दौरे पे हैं, के मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं, वसुंधरा राजे पूर्ववर्ती सरकार जिसमें वो बदहाली कटोरा खाली है या खजाना खाली है वो इससे बोल रहे हैं लगातार, अशोक गहलोत लेकिन इसी बीच पूरे पे सवाल खड़ा किया उन्होंने मुख्यमंत्री पे, अब मौजूद भी थे, कि किस तरह से काम हो रहा है, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, काम नहीं करते हैं तो उनके तबादले कर दिए जाते हैं, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप इन्हें? देखिए आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाए और तथ्यात्मक रूप से चीजें कही, उन्होंने कहा कि हाल ही में बनाई गई थी सीमावर्ती इलाकों में उसके 31 लाख रुपए की वर्षा के चुकाए नहीं, उसका समय चढ़ना था जीएडी से 31 करोड़ तो उसको नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री इवेंट मैनेजमेंट के आधार पर विदेश यात्रा करती हैं, उसका समायोजन रिजर्वेशन सिटी नहीं करते हैं तो उनको जीएडी से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन स्थान हुआ वो 4.5 साल में कितना निवेश हुआ जी बता दें, और इवेंट मैनेजमेंट में कितना खर्चा हुआ ये भी बता दे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जीजी फेस्ट हुआ, उसके अलावा हाँ उन्होंने कहा कि आपके जो पशुपालन वाले
मामले में तीन चार ग्राम हुआ, इवेंट मैनेजमेंट पर कितना पैसा खर्च कर दिया, और राजस्थान समारोह हुआ तो उसमें कितना हुआ, ये सारी बातें उन्होंने तथ्यात्मक रूप से कुछ चीजें आज उन्होंने पेश की और कहा कि हम आएंगे पहले वाले माथुर आयोग नहीं रखेंगे जो कि एक्ट के अनुसार नहीं था, अब हम इसकी जांच सत्यात्मक रूप से कराने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से घोटाला हो और उसकी जनता सामने लाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं उन्होंने सारा आरोपों को किस प्रकार से लोकायुक्त कर दिया और लोकायुक्त किस प्रकार तत्काल जांच के जिस प्रकार का परिणाम दे दिया उससे हमको मिला है और आने वाले समय में हम उसको उसे पेश करेंगे। तो उन्होंने आज जो कुछ कहा उसके बाद मुख्यमंत्री को अब सीधे तो मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव है तनवीर कुमार को तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो गुलाम के रूप में काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि केंद्र सरकार के अधिकारी है और उनको सरकार से काम करना चाहिए वो नहीं समझ पा रहे, वो आईएएस को धमकाते हैं, आरएएस को धमकाते हैं और गलत काम को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सारी चीजें कार्यप्रणाली पर जिस प्रकार का प्रहार पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले किया है उससे स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, उसका जवाब क्योंकि खुद मुख्यमंत्री राजे ही देंगे, बाकी तो कोई दे सकता। जी 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 चले मैं ब्रेक के लिए वापस सरकार को जब तक पहुंचने की कोशिश की है, सरकार पे हमला बोला है, सरकार के सिस्टम पे हमला बोला है। एक बार में ब्रेक से पहले श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में था, एक बार में फिर लौटूंगा। श्याम जी, रिफाइनरी को लेकर के भी अशोक गहलोत ने चर्चा की है और दूसरी तरफ सवालों की अगर बात करें हम, कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है, अभी अमित गोयल साहब थे हमारे साथ में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सवाल राजीव अरोड़ा जी का था उस पर इनका साफ कहना है और ये बात अमित गोयल जी की नहीं बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि सवाल पूछने के लिए अशोक गहलोत को सदन में आना चाहिए था। कांग्रेस का कहना है कि जब सवाल पूछे के हाउस में उठाए दिए जाते हैं तो वो सवाल कौन से प्रश्न कर दिए जाते हैं, लेकिन ये बात कोई कि सदन में उन्होंने चीजें नहीं उठाई, ये बात ठीक है वो उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि आज वो इस तरह की पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनके फाइलों की जानकारी और कुछ अधिकारी उनके संपर्क में भी रहते हैं, तो क्या सरकार में कुछ कुछ हो रहा है इसकी जानकारी मिलती है, तो स्टेटस किस प्रकार का हो रहा है, तो कुछ कुछ जो कमियाँ होती हैं उनके सामने उठा रहे हैं। अब किसी रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी इस प्रदेश में लगनी चाहिए, उसको दोहराए गए, हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, लेकिन आप 37,500 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट हो, शुरुआत में आप जब प्रधानमंत्री से उसको कार्य का शुभारंभ करने आए तो 500 करोड़ का बजट था, इसके बाद आपने 1,000 करोड़ रुपए और 1,500 करोड़ में रिफाइनरी नहीं लगती, आपको 10,000 करोड़ रुपए तत्काल निवेश करने चाहिए जिससे कि उस स्थान पर तेजी से काम हो सकता था, क्योंकि हम रिफाइनरी जैसे जैसे लेट करेंगे वैसे वैसे रिफाइनरी की कॉस्ट बढ़ेगी। अब आप बार बार कह रहे हैं कि हमको 56,000 करोड़ का ऋण ब्याज मुक्त देना पड़ता है HPCL को, लेकिन आप ये देखेगा कि उसमें क्लॉज था पहले वाले MOU को अगर पढ़ेंगे तो उसने कहा कि अगर रिफाइनरी का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लगेगा तो हमको ब्याज मुक्त ऋण नहीं जो ब्याज देना नहीं पड़ेगा, उसमें एक क्लॉज था। अब उस क्लॉज को तो आप उजागर नहीं कर रहे, आप करो कि हमने 40,000 करोड़ की बचत कर ली 15 साल में, जो आप जब उत्पादन होगा तो हम उसको ब्याज मुक्त ऋण देने की बात करें, उसका ऋण हम देंगे, उसका जो ब्याज लगने वाला था वो राजस्थान सरकार को वहन करना था, राजस्थान सरकार ने कंपनी बनाई और कंपनी का गठन होने के बाद दोनों में MOU हुआ था, सरकारी कंपनी है प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब आपके ही केंद्र के नेता अगर पहले वाले केंद्रीय नेता को अगर HPCL क्या कहता है और अब वाले नेताओं को क्या कहता है तो दोनों में क्यों विरोधाभास की स्थिति बनती है। केंद्रीय उपक्रम के अंदर अगर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो अगर विश्वास अगर किसमें करेगा, निजी कंपनी होती तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कमीशन खा गए और उसमें सब कुछ हुआ, सरकारी कंपनी के आधार पर भी आप कह रहे हो कि
प्रदेश को लुटवाना चाहते थे पूर्व मुख्यमंत्री, हम नहीं लुटवाना चाहते, तो आप जांच कराते ना कि पूर्व के जो अध्यक्ष थे और उसमें क्या कमी थी, क्यों किया और हमने क्यों बदला, ये सारी की जांच कराने का मौका है, जांच कराते आप बताते सारी बातें, लेकिन प्रदेश के लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि आपका रिफाइनरी लेट होने का मतलब है कि आपको विकास में जो पैसा मिलना था, क्योंकि तेल आपके पास है मौजूद और आप उसका दोहन करके और उसका कर सकते हो, उसको फायदा मिल सकता था, प्रदेश को मिल सकता था, तो बाकी को मिलने वाला चाहिए था, क्योंकि अभी रॉयल्टी कम मिल पा रही है। मैं चलिए मैं लौटूंगा शाम जी आपके पास में, मैं राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, अमित शाह जब जयपुर से लेके और अभी जोधपुर पाली भीलवाड़ा पहुंच गए, उदयपुर रहेंगे, एनआरसी का मुद्दा हम आपके पास में थे लेकिन श्याम जी के पास में जुड़े गए थे, कांग्रेस पे लगातार इस बात को लेकर के हमला किया जा रहा है कि एनआरसी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की चुप्पी है, चुप्पी तोड़नी चाहिए, सीधा राहुल गांधी पे हमला करते हैं, एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है ये बीजेपी का, ताकि इसमें पूरी तरह से घेरा जा सके कांग्रेस को, कांग्रेस क्या इसमें को बचाओ। मैं आपको पहले भी आपसे कहा ये मुद्दा एनआरसी का नहीं है, ये वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा है जी, ये खाली कोशिश करी जा रही है इस तरीके की बात करके इस प्रदेश के अंदर वापस सांप्रदायिक भावना को भड़काया जाए, वोटों का ध्रुवीकरण करा जाए, उसके आधार के ऊपर चुनाव हुए। इस वक्त ही ये बात लेके आए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अगर इतना बड़ा मुद्दा था, पहले पूर्व केंद्र आपकी सरकारें रही हैं, केंद्र में भी रही हैं, इस मुद्दे को आज इलेक्शन इशू बनाने की बात नहीं है, आज इलेक्शन इशू की बात यह है कि जब आप भीलवाड़ा जाओ, जब आप जोधपुर जाओ, आप जनता को बताओ, मारवाड़ डिवीजन की जनता को बताओ कि आप रिफाइनरी के लिए क्या कर रहे हो, अगर आप जाते हो उदयपुर बांसवाड़ा डिवीजन जाते हो तो बताओ रतलाम से जो हम रेलवे लाइन की बात कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को आपने क्यों छोड़ दिया, आप जयपुर में आते हो तो यहाँ के युवाओं को बताओ कि हम रोजगार देने के लिए हम क्या योजना बना के लेके आएंगे। आपके सारे दावे खोखले निकले हैं, आपके तो हमने पुरानी जो उनकी स्पीचें थी वो मैंने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को सामने सुनाई थी, पेट्रोल का दाम बढ़ने की बात के ऊपर क्या कहा जाता था, डॉलर का दाम बढ़ रहा है तो कहा जाता था कि पूरे देश पूरे विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा कम हो रही है, उस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के दाम अब और भी कम होने वाले नहीं है तो क्या महंगाई इस तरह से बढ़ती रहेगी, आज महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल 90 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, जल्दी 100 रुपए पहुंच जाएगा, डॉलर 73 रुपए हो गया है, आज 72 रुपए 61 पैसे के ऊपर डॉलर बंद हुआ है, ये स्थिति हो रही है, सारे इम्पोर्ट महंगे हो जाएंगे, इस मुद्दे को हटाने के लिए आप एनआरसी की बात करते हो, मैं कह रहा हूँ ये इशू है ही नहीं जो मुद्दा बना रखा है। अमित जी आपके पास आऊंगा, मैं एक बार विष्णु कुलवाल जी के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, एनआरसी को लेकर के बीजेपी लगातार हमले कर रही है, हालांकि बीएसपी उससे बची हुई है लेकिन कांग्रेस निशाने पे है। सर एनआरसी का जो जगह है जो प्रॉपर आसाम के लिए है, आसाम बंगाल में है ये इलाका, अगर वहां की बात यहाँ पे आके हमारे बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष जी यहाँ के बातें करते हैं तो ये उनको समझ में आना चाहिए राजस्थान ही है, आसाम या कलकत्ता नहीं है जैसे मन में आके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं वो। लेकिन कुलवाल साहब एक बात और कह रहे हैं अमित शाह कि देश में जिन भी राज्यों में घुसपैठिए हैं उनको हम चिन्हित करके बाहर करने का काम करेंगे, राजस्थान हो चाहे गुजरात हो बिहार हो मध्य प्रदेश हो कोई भी राज्य, रो कौन रहा इनको कर क्यों नहीं रहे, कह रहे हैं ना राम मंदिर बनाएंगे वो भी कह रहे थे और राम मंदिर भूल गए अभी, इनको जो पुरानी कोई बात होती है ना उसको भूलने में इनको बहुत अच्छा रहता है। 125 करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम से इकट्ठा किया, कहां गया 125 करोड़ रुपया, वो आज तक इन्होंने हिसाब दिया उसका, अब ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है, विश्व हिंदू परिषद से बात कीजिए, जब संगठन की बात आती है तो हम सब एक है। सवाल है राजस्थान में आज कानून व्यवस्था की कौन सी बात करना चाहती है सरकार, आज अलवर में व्यापारी का अपहरण हुआ, क्या क्या सरकार ने वहां पर, आज व्यापारी इस 70 साल के शासनकाल में हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल के बाद आज व्यापारियों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी कारण से आत्महत्या करनी पड़ रही है उनको, उन लोगों को क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, आज व्यापारी कहां पहुंच गया, अमित गोयल साहब इनको ये पता होना चाहिए जब स्वर्ण समाज ने बंद करवाया था भारत तो कहते भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे मतलब नहीं बोले और कहते व्यापारी हमारे, आपके क्या है, आपने कब व्यापारी का साथ दिया और कौन से व्यापारी का साथ दिया, आपने तो व्यापारी के साथ वो काम किया है कि आपका बस चले ना तो गणेश जी गोविंद के मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठा दो व्यापारी को, और जो व्यापारी छोटे व्यापारी गणेश जी के मंदिर के बाहर दुकान चलाते थे उनकी दुकानें आप लोगों ने बंद करवा दी, आप किस धर्म की बात करना चाहते हैं, हिंदू धर्म में आप हो तो हिंदू, हम हैं तो हिंदू नहीं,
ऐसी कौन सी नीति आपके पास, चलिए कौन सा पैराग्राफ आपके पास? जवाब देंगे अमित गोयल जी, जवाब देंगे। आपने भी बोला एनआरसी के मुद्दे को लेकर के आपने सुना कि ये क्यों पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए योगेंद्र भाई, ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी सांप्रदायिकता का रूप देने का प्रयास है। राजीव जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, जयपुर शहर के कांग्रेस के नेता है, उन्होंने सांप्रदायिकता जोड़ दी इसमें, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। एनआरसी क्या है? एनआरसी एक ये तो बन रहा है कि हमारे देश में 24 मार्च 1970 के बाद जो भी बांग्लादेशी आए हैं उनको हम चिन्हित करके देश से बाहर निकलना सुनिश्चित करें। वो सिर्फ आसाम में ही नहीं है और सिर्फ बंगाल में नहीं है, पूरे भारत में फैले हुए हैं। और अगर बीजेपी ये पशु खा रही है बार बार, बीजेपी ने एनआरसी का काम, एनआरसी के बारे में आपको बता दूं, एनआरसी का जो समझौता हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ नहीं था, वो राजीव गांधी जी ने किया था। और वो किया था 14 अगस्त 1985 को, 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उसकी घोषणा उन्होंने की थी। और मैं राजीव भाई को भी बता दूं, कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री थे, नीतीश परसोकिया, पीपी चिलोहा, दोनों मुख्यमंत्री आसाम के थे। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को केंद्र पत्र लिखा, पत्र लिखे कहा कि लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ती जा रही है, यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यहाँ की संस्कृति नष्ट हो रही है, संसाधनों पर लोग कब्जा कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के दबाव में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो पत्र डस्टबिन डाल दिए गए। और उसके बाद लगातार ये उपक्रम चलता रहा। 2009 में एक एनजीओ हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट रिट दाखिल की और उसके बाद में कोर्ट ने 2014 में आदेश दिया कि भाई इसके एक रजिस्टर बनाया जाए और उनको चिन्हित किया जाए। उस समय पर भी आपके आसाम में आपकी सरकार थी, प्रतीक हलेजा आईएएस है जिसको इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो इस सारे मामले को देख रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जब सारा काम हो रहा है और सरकार ने एक 40 लाख लोग अगर इसमें आ गए हैं तो अभी हमको अभी फिलहाल नहीं निकाल रहे हैं, उसके बाद 28 सितंबर तक का समय दिया है कि किसी भी तरह का कोई तथ्य 24 मार्च 1971 से पहले देश में रहने का है तो आप दीजिए, हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको सांप्रदायिकता क्यों कहते हैं? दोनों क्या राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों तरफ आप एक बार मजबूती से कहिए तो सही, एक भी बांग्लादेशी देश में रहना चाहिए, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों लाइन नहीं आती है, क्या आपके वोटर की इतनी चिंता है आपको? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने उसको अपने वोटर में कन्वर्ट कर दिया है। और भाई विष्णु कोलवाल जी बात कर रहे थे कि स्वर्णों का बंद था, आप विष्णु कोलवाल जी आपकी पार्टी का क्या कहना है इस बात के ऊपर? आप मायावती जी से पूछे ना आपका स्टैंड क्या है, आप लोग बोल नहीं सकते हैं। हमने तो बोला है, हमने बंद कराया, आपने बंद नहीं करवाया, आपने बंद नहीं करा, हमने बंद करवाया। हम व्यापारी नेता है, हम व्यापारी नेता है, हम सबसे पहले व्यापारी है, हम सबसे पहले व्यापारी है। राजनीतिक बाद में भारतीय जनता पार्टी देश के सभी नागरिकों के अधिकारों की, सभी नागरिकों के अधिकारों की और सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय सिद्धांत पे काम करती रही, आगे भी करती रहेगी। चलिए मायावती के पास क्यों जाते हो आप वोट मांगने के लिए? मैं एक बात आपने नेता हूं समझो, एक बार श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एनआरसी के मुद्दे पे, क्योंकि एनआरसी का मुद्दा यहां रिलेवेंट है क्योंकि अमित शाह के हर स्पीच में एनआरसी आ रहा है। एनआरसी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है कि बाप का नाम है, बेटे का नाम गायब कर दिया गया या बाप के मां का नाम गायब कर दिया गया, कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है और जो कमीशन बनाया गया था उनके भी डिस्क्लोज करने पे डांट भी पड़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अभी ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है और सारी इतने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अभी अमित गोयल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल इससे इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए और इसका राजनीतिकरण किया भी नहीं जाना चाहिए। क्या वास्तव में ये मुद्दा निश्चित रूप से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेश अगर कहीं पे क्रिमिनल भी होते हैं, मुझे अच्छे से ध्यान होगा, आपको भी ध्यान होगा कि यहाँ पे स्टेशन के पास एक बस्ती हुआ करती थी जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हमला कर दिया था पुलिस ऑफिसर करीम टुंडा, हाँ बिल्कुल, और उसमें बम ब्लास्ट और उनमें भी लोग लिप्त मिले गए थे, होनी चाहिए सफाया ये। लेकिन इसका होल्ला ज्यादा हो रहा है कि वास्तव में कुछ इसका एक्शन प्लान भी है? देखिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारी चीजें हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसके अनुसार काम हो रहा है। अब आप देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठी है, यानी कि कौन कहता है घुसपैठी को रखो? आप देखिए राजस्थान, अभी आज पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के अनुसार काम कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो कि कांग्रेस इसको करने नहीं देना? आप कानून है, कानून के अनुरूप काम करेंगे तो न कांग्रेस रोक सकती है, न कोई भी राजनीतिक दल उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ चीजों को क्लोज से दीजिए, फिर उस प्रश्न क्यों लगाया जा रहा है? क्यों कांग्रेस ये नहीं कहती कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करना चाहिए? बात सुनिए, कहना चाहिए ना, बनिएगा जयपुर की बात कीजिएगा कि जब यहाँ से बांग्लादेशियों को घुसपैठियों को जब से चिन्हित करके 300 लोगों को कड़ी पार करा गया था, गया तो कालीचरण सराफ ने उसका विरोध किया था
ये मेरे वोटर हैं, इनको कैसे भेज रहे हो? आप ये मत कीजिए, दोनों ही पार्टी जयपुर में चिन्हित लोगों को किया गया था, हरिचरण जी ने विरोध किया था। और कहाँ कौन सी बस्ती आप जवाहर नगर कच्ची बस्ती में ज्यादा करके बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कौन बनाएगा? सब लोग दुखी हैं उनसे, कोई सुखी नहीं है। आपने चिन्हित करके अशोक गहलोत की सरकार में चिन्हित करके भेजने का काम कर रहे थे, तो कालीचरण सराफ गए थे, वो खड़े हुए थे। आप अगर नहीं मानते उसकी बात अलग है। आप भारतीय जनता पार्टी का आरोप करती है, आप करो कालीचरण जी ने इसका विरोध किया था। ये कहना चाहिए, मेरी बात सुनिए, आपको मैं कह रहा हूँ, आप एक पत्रकार है, पत्रकार योगेंद्र भाई, प्लीज मुझे नहीं ये बोलना बोलना, ये जो कहना चाह रही मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने ऑब्जेक्शन ये आया था कि बांग्लादेशियों के नाम पर यहाँ से जो लंबे समय से लोग रह रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये बात आई थी उस समय जब सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा भी था कि आप बांग्लादेशियों का विरोध वो भी नहीं कर रहे थे, कालीचरण सराफ ने बांग्लादेशियों का विरोध नहीं किया, लेकिन जब बस्ती में से लोगों को चिन्हित करके, क्योंकि देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपको, चाहे अमित शाह हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, काम नीति का सिस्टम करता है और जो अधिकारी रिपोर्ट देते हैं उस पर यकीन करना पड़ता है। अगर जवाहर नगर कच्ची बस्ती हो या रेलवे स्टेशन के पास की बस्ती हो, अगर किसी ने रिपोर्ट बना के दी वहां के एसडीएम ने, यहाँ जोन कमिश्नर ने कि साहब ये लोग, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने कि ये लोग हम आइडेंटिफाई किए और ये लोग सुरक्षा से खतरा हो सकता है, बांग्लादेशी हो सकते हैं, दूसरे घुसपैठी हो सकते हैं, ये को लेकर राजनीतिक हो सकता है, लेकिन डेप्थ में जाएंगे सिस्टम आपका एक ही है, चाहे सरकार किसी की भी हो, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते उसमें, सिस्टम ही करता है। और जो बात आ रही है उस पर कालीचरण सराफ साहब ने जो सवाल खड़ा किया था, ये किया था कि लंबे समय से लोग रह रहे हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है, तो ये एक सवाल है। बेशक कहने को चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन सिस्टम आपका हो चाहे इनका हो, चाहे इनका हो, किसी का भी हो, मैं तो शाम जी से अपेक्षा करता हूं। मैं तो पत्रकार हूं, ये कहना चाहिए की सभी राजनीतिक दलों को इस बात को कहना चाहिए कि हमारा धर्मशाला निकालने के लिए मना कर सब लोगों को, ऐसे लोग अवैध कांग्रेस की तरफ से बोला, मेरी बात सुनिए, बोले आज बोले होंगे, लगातार बीजेपी बात कर रही है, ममता बनर्जी उनकी सबसे बड़ी सहयोगी है, ममता बनर्जी ने कहा कि सिविल वॉर हो जाएगा, क्यों नहीं बोले आपने खंडन क्यों नहीं किया? मेरा मतलब कहने का है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को राजीव भाई ने सांप्रदायिक से जोड़ दिया। अरे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को किसी विषय जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस विषय पे हम सबको एक होना चाहिए। हम तो चाहते हैं आप मजबूती से राजस्थान का, जिस दिन आप कहोगे मजबूती से, जिस राहुल गांधी मजबूती से, जिस दिन राहुल गांधी मजबूती से कहेंगे कि देश में अवैध एक भी अवैध घुसपैठ नहीं रहना चाहिए, फिर रमेश शाह जी बोलेंगे आप बोलने का मौका दे रहे हो, उनका समर्थन करके आप हमारी बात का काम करो, मना कर रहे हो, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो पत्रकार सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है ना, तो कौन मानेगा उसके कांग्रेस कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी बोले नहीं है, मामला न्यायालय में चल रहा है ना, तो न्यायालय की बात करो, 40 लाख लोग सूची आपने सरकार लगाई, बीजेपी से मेरे आरोप लगाया कि आप लोगों ने इसमें नाम कटवा दिया, अरे वो हमने आरोप तो लगाए, पहले मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो आप लोग क्यों बोल रहे हो? नहीं अमित शाह किसने कहा वो? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या वो? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या वो? मुसलमानों को छोड़ दिए गए, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं किसने बोला? सदन में बोला, कांग्रेस ने बोला, बोला सदन के अंदर क्या बोला कि मुसलमानों के नाम जोड़े गए हैं, सरकार ने एनआरसी की लिस्ट ही नहीं बनाई है, क्या बात? आसाम में वोट, आसाम में चुनाव कब हुए? आसाम में चुनाव कब हुए? और आपकी सरकार कब आई ये बता दो, नहीं ये बता दो, हमारी सरकार आपकी सरकार आई ना सदन के अंदर, नहीं कब आई? 2016 में सरकार, लोगों ने वोट नहीं दिए क्या? वो अरे तो मतलब रख लें देश के अंदर, नहीं किसने रखो, हमने क्या रखो के अंदर, बोले सुप्रीम कोर्ट, आपने आपने अमित जी आपको वोट से देश के कश्मीर में आप पीडीपी से समर्थन मांगते हो, देश में देश की बात नहीं करते हो, आप ऐसी बात बोलते हो, आप बोलते हो सही है, हम बोलते गलत है, ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट है, अमित शाह जी कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट आरोप नहीं लगा रहे,
बोलोगे भी नहीं, हम आरोप भी लगा रहे हैं, हम जज की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट से पढ़ो, आप तो सुप्रीम कोर्ट से पढ़ो, अपने आप को मजबूत पढ़ो। गलत बात है अमित जी, आपको सुनना चाहिए। आपको ये बात माननी चाहिए कि जब ये मामला, ये लिस्ट जारी हुई तो कांग्रेस ने और अन्य पार्टी ने किया। आपने फिर कोर्ट की अवमानना करी, किसने की? मेरा छोटा सा सवाल है, मैं वाइंड अप करना चाहूंगा, समय कम है मेरे पास में। देखिए, राजीव अरोड़ा जी ने एक बात कही थी कि एनआरसी के मुद्दे पर इसकी जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए। गलत कोई भी आदमी है उसके साथ में अन्याय, अगर कोई सही है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये अशोक गहलोत ने भी आज खुल करके अमित शाह साहब के बयान का जवाब भी दिया उन्होंने। और उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी के पास में इस वक्त राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही है बीजेपी, गिराने के लिए बहुत कुछ है। मैं अमित जी आपके पास ही आना चाहूंगा कि मुद्दों की कमी रह गई बीजेपी के पास में, विकास का एजेंडा एनआरसी के आगे छोटा पड़ रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया तीसरी बार जनता से सीधा संवाद करने लगी और लगातार मुख्यमंत्री की हर विधानसभा में यात्रा चल रही है। बात कर रहा हूँ आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान के विकास का मुद्दा छोटा पड़ रहा है, एनआरसी से मतभेद भूल जाओ, भारत माता जी की पत्र एक वो लो, फोटो लो, कमल का निशान ले, निकल जाओ बाहर निकल के और कमल को जिताओ, और मतभेद उसको भूल जाओ सारे। जब वो राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान की बात करेंगे, बहुत बड़ा संकट है, हर समस्या के बारे में बात करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री हर विधानसभा में जा रही है, नहीं वो कह रहे मुख्यमंत्री ने रामा शाह की बात कर रहे हैं, उन्होंने जनस्वावलंबन की की सरकार मांग चुके हैं। मैं माफी चाहूंगा, चलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तल्खी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। मैं पहले भी कहा कि ये आखिरी जुबानी हमले नहीं है, जैसे जैसे दिन नजदीक वैसे वैसे हमले तीखे तेज, मुद्दे कहां कहां से निकल करके आएंगे। और आप एंजॉय करिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, ये ऐसे ही सब चलेगा। लेकिन रिलेवेंट मुद्दे होने चाहिए, जनता के दर्द को छूने की कोशिश करनी चाहिए, और उसे हम कैसे सहला सकते हैं, दूर कैसे कर सकते हैं, चर्चा इस पर भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।